पिज़्ज़ा स्लाइस को बनाने में हमें टोटल लगे हैं 10,000 rupees। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Pragati और आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ जायंट पिज़्ज़ा। तो जायंट पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले बनवा रहे हैं बड़ा सा तवा जिसपे वो पिज़्ज़ा बनेगा। कस्टमाइज्ड शीट बिल्कुल रेडी है जिसमें हम लोग पिज्जा बनाएंगे और इसकी हाइट है 6 feet। तो आप सोच सकते हो हमारा पिज्जा कितना ज्यादा बड़ा बनेगा। नेक्स्ट हमें खरीदना है बहुत सारे पिज्जा टॉपिंग्स एंड चीज। यार अब मार्केट में इतना बड़ा सा पिज्जा बेस तो मिलता नहीं है, तो हम स्क्रैच से पिज्जा बेस भी बनाने वाले हैं। टोटल 10 kg मैदा यूज करने वाले हैं इसमें। This is not sponsored. माँ दुर्गा भोग जरा स्पॉन्सरशिप भेजिए हमें। तो गाइस सबसे पहले हमें बनाना है गड्ढा। ऐसा लग रहा है ना मैं घर बना रही हूँ, मतलब घर बनाते वक्त ऐसे वो लोग सीमेंट से करते हैं ना, ऐसा गड्ढा बनाते हैं फिर सीमेंट बनाते हैं। तो अभी इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ईस्ट, नाइस, थोड़ा सा पानी, थोड़ा और, थोड़ा सा और, अब ढकेंगे हम लोग ऐसे करके। वाओ, अरे वाह। अभी हमें इसे 2 घंटे के लिए छोड़ना है ताकि ये पिज्जा बेस हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। वैसे भी मेरे से इतनी मार खाने के बाद तो सॉफ्ट हो ही गया होगा। जब तक हमारा पिज्जा बेस रेस्ट कर रहा है तब तक हम लोग तैयार कर लेते हैं टॉपिंग्स। तो चलो सबसे पहले, बहुत दिन बाद मुझे किसी का मर्डर करने को मिलेगा। मैं पेट्रोल पंप क्यों लग रही हूँ यार, तो हेलोवीन आउटफिट लग रहा है मेरा ये। प्लीज कमेंट करके बताएं मेरा ये आज का लुक कैसा लग रहा है। मैं इतना मैचिंग करती हूं यार, कोई कमेंट नहीं करता। ये देखो स्क्रंची मेरे इससे मैच कर रहा है लेकिन कमेंट ही नहीं करता। आज मुझे कमेंट चाहिए। कमेंट करो यार प्रगति जी, क्या लग रहा, मतलब चांद का टुकड़ा है। पता है प्याज छिलने से आते हैं आंसू। तो इस हाथ में ये बताते हैं कि अगर आप प्याज छिलते वक्त च्युइंग गम अपने मुंह में खाते हो तो आपको आंसू ही नहीं आएंगे। ट्राई करके देखते हैं, अगर आया ना तो जिसने ये मार दूंगा। करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। मतलब मैंने इतने सारे प्याज को छिल लिया और काट लिया और मेरे आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं आया, तो काफी मजे का हैक है। चलो मर्डर करते हैं। भाई साहब हमारे पिज्जा बेस की हालत खराब है, मतलब ये खुद ब खुद बाहर आ रहा है कि मुझे बनाओ, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल वॉल्केनो इरप्शन हो रहा था, मैंने बस कैमरा सेट कर दिया था, वो तो अच्छा है, नहीं तो मुझे भी नहीं दिखता ये हुआ क्या है इसके साथ। तो हमारा पिज्जा बेस काफी फ्लफी हो चुका है और अब हम इसे डायरेक्टली बनाएंगे पिज्जा। सुबह से काम कर करके बहुत थक गया और इसने मुझे बोला है कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ तेल ताकि इसका सर दर्द सही हो जाए। तो मैं इसकी थोड़ी सी मसाज करूंगी। दीदी क्रॉस जीरो खेलोगी? हेलो, मेरा क्रॉस यहाँ पे, बीच में जीरो, ठीक है मेरी टर्न। मेरा क्रॉस यहाँ पे, मेरे जस्ट यहाँ, अच्छा ठीक है। तो मेरा क्रॉस यहाँ पे, तुम्हारा बताओ। मेरा तुम्हारे जस्ट ऊपर, ये ठीक है। मेरा क्रॉस यहाँ पे, बीच में। ओके सो गाइस मैं विनर हूँ फाइनली। बहुत प्रॉब्लम आ रही थी तो फाइनली हमने एक सॉल्यूशन निकाला। हमने थ्रेड से ऐसे ट्रायंगल कर दिया है और बाकी के पार्ट को हम लोग कट कर देंगे और जिस पार्ट में फिल नहीं है उसको वहां पे फिल कर देंगे। आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो हमारा पिज्जा शेप में आ गया है और अब मैं इस फॉक्स से
गुजू उस पर करने वाली हूँ और उसमें पूरा ऐसे ऐसे छेद करने वाली हूँ ताकि वो थोड़ा सांस ले सके। आई डोंट नो उसका रियल रीजन मुझे नहीं पता ये क्यों करते हैं, बट बस करना है तो करना है। जल्दी से पिज्जा सॉस लगा लेते हैं, मेरे पास दो डब्बे हैं एंड मुझे लग रहा है दोनों का दोनों इसी में खत्म हो जाएगा, तो चलो करते हैं। जब तक मैं कुछ खुरापात ना करूँ ना तब तक मेरे हाथ में खुजली होती ही रहती है, तो यहाँ पे मैं पिज्जा सॉस से कुछ लिख रही हूँ और अब तो आपको शायद पता भी चल गया होगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, और ये करते करते मेरा पिज्जा सॉस भी खत्म हो गया था यार। पिज्जा पे मैंने पिज्जा लिख दिया और अब पिज्जा को हम लोग स्प्रेड करेंगे, आई मीन पिज्जा सॉस को स्प्रेड करेंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं सॉस लगा रही हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं किसी के ऊपर पेंटिंग कर रही थी। गाइस जल्दी से कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट पिज्जा टॉपिंग कौन सा है। तुम्हारा पिज्जा सॉस लग चुका है और मेरे सारे टॉपिंग भी बिल्कुल रेडी है, तो यहाँ पे मेरे पास है ब्लैक ऑलिव्स, यहाँ पे हमारे पास मोजरेला चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो सबसे पहले मैंने बेस पे बहुत सारी चीज डाली, मतलब मुट्ठी भर भर के मैं डाल रही थी लिटरली, और उसके बाद अनियंस लिए और अनियंस भी ऐसे ही स्प्रेड कर दिया ढेर सारा। फिर बारी आती है हमारे लाल लाल टमाटरों की, तो मैंने टमाटोज भी लिए एंड बहुत सारा लगाया, मतलब हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगा रही थी मैं। उसके बाद कैप्सिकम भी बहुत सारा लगा दिया, फिर ब्लैक ऑलिव्स लगा दिया ऐसे बुंदू 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 करके, फिर बहुत सारा चीज़ फिर से मुट्ठी भर भर के मैंने लगा दिया, मतलब पूरा खाली कर दिया था मैंने। अब बारी है इसे कुक करने की, तो हमने मंगाए हैं जायंट सिलेंडर, मैं मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली बहुत ही मिनी मिनी सिलेंडर्स ये तीन यहाँ पे हैं, तो इसे हमें जलाना है एंड इसके अंदर ढकेल देना है, उसके बाद पकेगा हमारा पिज्जा। बहुत मेहनत लगी है गाइस, इसी बात पे एक लाइक कर दो। ये है नॉर्मल पिज्जा स्लाइस और ये है हमारा जायंट पिज्जा स्लाइस। छोटी लग रही हूँ मैं और पिज्जा वैसे ट्विनिंग कर रहा, पिज्जा भी ऑरेंज है और मैं भी ऑरेंज हूँ। इसमें टाइम लगा है अप्रोक्स 10 घंटे का, तो 10 घंटे से लगातार हम लोग इस पे लगे हुए थे तब जाके हमारा एक पिज्जा स्लाइस रेडी हुआ है। ऐसे गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा ये पिज्जा खाने वाली हूँ बस ताकि मजा आ जाए खा के, बाकी ये पिज्जा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि इतना पिज्जा कोई अकेले थोड़ी ना खा सकता है ना। चलो अब इस जायंट पिज्जा को खा के देखते हैं कैसे खाएंगे, यार मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। इतना बड़ा पिज्जा के लिए हमारे पास बड़ा सा प्लेट होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, आप ये मत सोचना कि अरे वहाँ बड़ा सा प्लेट आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा यार, ये कट भी नहीं रहा जल्दी, बहुत टाइट है। ओए भाई साहब गाइस ये पिज्जा बहुत ज्यादा भारी है, तो चलो इसे खाते हैं। ओ भाई साहब बहुत भारी है, टेस्ट भी बहुत सही लग रहा है, मतलब मुझे लगा था इतना बड़ा बनेगा तो पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं, लेकिन अच्छा इसका टेस्ट लग रहा है। जब मैंने बोला था ना कि जायंट पिज्जा बनाएंगे तो जायंट मतलब इतना बड़ा, ठीक है। एक पिज्जा साइज बनाने में इतनी मेहनत लगी है गाइस और आपको 1 सेकंड लगेगा इस वीडियो को लाइक करने में, लेकिन आपके इस 1 लाइक से हमें बहुत ज्यादा खुशी, मतलब बहुत ज्यादा वाली खुशी होगी, तो प्लीज लाइक कर देना, आपको ये देख के खुशी होगी और मुझे वो आपकी लाइक देख के खुशी होगी, तो प्लीज 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 लाइक कर दो प्लीज। So thank you so much guys for watching this video. Bye guys. अरे अरे जा कहाँ रहे हो? ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।